आधा घंटे में इडली और सांभर दोनों बना सकते हो आप इस रेसिपी से। इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ आज मैं आपको। हर बार इसी तरीके से बनाओगे आप इडली सांभर, इतने टेस्टी बनते हैं। और ये आप देख सकते हैं इडली कितनी फूली फूली, बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले सांभर बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने सब्जियों में लौकी, कद्दू, बैंगन, दो टमाटर, एक प्याज, गाजर और दो हरी मिर्च ले लिए हैं। सबसे पहले इन्हें मैं बिल्कुल बारीक कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे और मेरे घर पर सभी को बारीक कटी हुई सब्जियां ही पसंद है सांभर में। अब ये प्रेशर कुकर में डाल देंगे अरहर की दाल, और अरहर की दाल के साथ में ही मैं 2 छोटे चम्मच इसमें चने की दाल डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना बना सकते हैं। दालों को मैंने आधा घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो बिना भीगी हुई दाल भी ले सकते हैं, बस आपको 2 से 3 विसल कुकर में ज़्यादा देनी पड़ेंगी। सब्जियां भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे कुकर में, और मैंने प्याज और टमाटर को भी इसी टाइम डाला है। आप चाहे तो तड़के के टाइम पर डालें, लेकिन हमें तो कम टाइम वाला सांभर बनाना है, तो आप इस तरीके से बनाइए। और सब्जियां आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, इनमें से कोई सब्जी पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें बीन्स और आलू, मतलब अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड करके सांभर को बनाया जा सकता है। अब इसमें डाल दूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी, लगभग 4 कप डाल दूंगी मैं इसमें पानी, और फिर अच्छे से मिला लेंगे। पानी अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसको बॉईल करने के बाद। अभी कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। तब तक हम इडली बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो ये इडली का घोल बनाने के लिए मैंने ली है 2 कप सूजी। अब डालेंगे इसमें दही, तो इक्वल क्वांटिटी में ही आप दही डालें। जैसे 2 कप सूजी है तो 2 कप ही दही। ये मेरा दूसरा वाला कप थोड़ा कम भरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना ही दही था। आप हो सके तो 2 कप डालें। 3/4 चम्मच लगभग डाल दूंगी नमक। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हल्का सा खट्टा होता है ना, तो इडली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश दही भी नहीं होना चाहिए इसके लिए। जरूरत के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें पानी और घोल बनाएंगे, जो कि ना ज्यादा गाढ़ा होगा और ना ही ज्यादा पतला। एक कप पानी का यूज हो गया है इतना पतला घोल बनाने में। अब इसे ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए, जिससे कि सूजी जो है वो फूल जाएगी। 4 से 5 सीटी आने के बाद जब प्रेशर पूरी तरह से निकल जाएगा, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे और आप सब्जियों को और दाल को चेक कर लें कि अच्छे से पके हैं या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी कच्चा लगे तो आप इसमें 1 से 2 विसल और दे सकते हैं। अब हमें इस तरह से सब्जियों को और दाल को मैश करना है। या तो इस तरह चमचे से ही कर दें, या फिर आप पोटैटो मैशर ले लें, उससे मैश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप जरूरत लगे तो पानी बाद में ऐड कर सकते हैं, तो जैसे मुझे अभी ये गाढ़ा लग रहा है तो मैंने इसमें और पानी ऐड किया है। अब बारी है इसमें तड़का लगाने की। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई और इसे भून लेंगे। और ये लिया है मैंने 1 से 2 इंच अदरक, जिसे कद्दूकस कर लिया है, इसे भी डालकर भून लेंगे हल्का गोल्डन होने तक। साथ में ही डाल देंगे ये साबुत लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते, भूनेंगे इन्हें थोड़ा सा। और ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा सांभर का। आप चाहें तो जो सिंपल तीखी वाली मिर्च होती हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में। अब डाल देंगे इसमें सांभर, मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें डाल देंगे सांबर मसाला। ये मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 बड़े चम्मच सांबर मसाला, और अच्छे से मिक्स करेंगे। सांबर मसाला डालने के बाद अब हमें सांबर को पकने देना है लगभग 8 से 10 मिनट तक।
सांभर में खट्टा टेस्ट देने के लिए मैं ऐड करूंगी इसमें नींबू का रस। आप चाहें तो इमली का रस या फिर इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं सभी के घर पर अवेलेबल होते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी सांभर बनाकर तैयार कर सकता है। और अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो इस टाइम ही इसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसे पकने देंगे, तब तक हम इडली बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो ये जो बैटर है इसको रखे हुए भी काफ़ी देर हो गई है, इसमें डाल दूंगी मैं 1.5 छोटी चम्मच ये इनो। आप चाहें तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इसमें 1 छोटी चम्मच। थोड़ा सा डाल दूंगी मैं ऊपर से पानी, जिससे कि इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा और एक जैसा मिक्स हो पाएगा पूरे बैटर में। बस मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है। बिल्कुल जब आप इडली को स्टीम करने के लिए जा रहे हैं तभी आपको इनो ऐड करनी है और थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसे। अब इसे फिल कर लेंगे इडली की प्लेट्स में, लेकिन आप ध्यान रखें इडली की जो प्लेट्स हैं उनमें आप पहले से घी या ऑयल लगा लें। मैंने घी लगा लिया है। अब कढ़ाई में मैंने ये पहले से पानी गर्म कर लिया है, लगभग 1.5 गिलास। इसमें रख देंगे इडली की प्लेट्स को और इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम में पकने देंगे। तो ये है इतना आसान और क्विक वाला तरीका जिसमें इडली सांभर बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं। जब तक आपका सांभर उबलेगा तब तक आप इडली बनाने की तैयारी कर लें, और जब तक सांभर आपका तड़के के बाद पकेगा तब तक आप इस तरह से इडली बनाने के लिए रख दें, तो लगभग आधा घंटे में आपके इडली सांभर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब ये मैंने ले लिया है एक विस्कर, इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सब्जियां और दाल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो सब्जी नहीं खाता है, तो इस तरह सांभर में उसे सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से मिल जाती हैं। तो ये हो गया सांभर तैयार। लास्ट में इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे। सांभर तो अभी बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब कर लेंगे इडली को चेक। और ये हमारी 10 मिनट के बाद इडली भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं। इन्हें निकाल लेंगे मोल्ड में से, इस तरह स्पून से निकालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। बस सर्व करें आप ये गर्मा गर्म इडली गर्मा गर्म सांभर के साथ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप लंच बॉक्स में भी बनाकर रखना चाहते हैं ना ये इडली सांभर, तो आप झटपट से बनाकर रख सकते हैं। जरूर ट्राई करके देखें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।